नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं बोल्डस्काई। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इटली के लीक कोमो में शादी कर चुके हैं। दोनों पिछले कई साल से रिलेशनशिप में थे। शादी 14-15 नवंबर को कुंकड़ी और सिंधी रिवा से हुई। शादी होने के साथ ही बॉलीवुड का ये जोड़ा टॉप पावर कपल बन गया। ये जोड़ा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। चारों तरफ इस कपल के चर्चे ही चर्चे हो रहे हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हस्बैंड वाइफ के रूप में परफेक्ट नजर आ रहे हैं। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों ने देखी थी, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी शानदार है। इस शादी के साथ ही बॉलीवुड का ये जोड़ा भी टॉप पावर कपल बन गया है। ऐसा काफी दिनों बाद हो रहा है जब बॉलीवुड में दो जाने माने एक्टर शादी कर रहे हैं। आज दीपवीर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में शुमार हो चुकी है। आइए जानते हैं आपस में शादी करने वाली बॉलीवुड की उन टॉप जोड़ियों के बारे में जिनका प्रोफेशन एक्टिंग रहा है और जिनका रुतबा अपने समय में सुपरस्टार का रहा है। जया भादुड़ी बच्चन और अमिताभ बच्चन। 3 जून 1973 को जया और अमिताभ बच्चन शादी के बंधन में बंधे थे। इन्हें आज भी बॉलीवुड की मोस्ट पावरफुल कपल और खूबसूरत जोड़ियों में गिना जाता है। जब उनकी शादी हुई थी तो उस वक्त जया सुपरस्टार थी और अमिताभ फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे। दोनों मशहूर कलाकारों की स्टोरी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं है। कहा जाता है जया ने जब पहली बार अमिताभ को देखा तो वो उन्हें अच्छे लग गए थे। बाद में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद भी दोनों ने एक साथ फिल्म की। शोले अमिताभ जया की शादी के बाद की फिल्म है। धर्मेंद्र हेमा मालिनी। धर्मेंद्र और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के किस्से भी जग जाहिर रहे हैं बॉलीवुड में। अपने वक्त का ये पावरफुल कपल माना जाता था और आज भी इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट है। हेमा अपने समय की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मानी जाती हैं। उनके अभिनय, डांस और लुक 70s और 80s के इरा में काफी मशहूर थे। उन्हें ड्रीम गर्ल का खिताब मिला था। हेमा धर्मेंद्र ने 1979 में शादी की थी। दोनों की शादी का जश्न बहुत प्राइवेट था। हेमा के पिता V.S. रामानुजम चक्रवर्ती धर्मेंद्र से उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे। हेमा की माँ भी शादी के खिलाफ थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र की पहली वाइफ ने भी उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन तक कर लिया था। करीना कपूर खान, सैफ अली खान और अमृता सिंह। करीना कपूर और सैफ अली खान दोनों बॉलीवुड के पावरफुल कपल हैं। आज भी दोनों की अच्छी बॉन्डिंग देखी जाती है। दोनों एक दूसरे को काफी सपोर्ट करते हैं। दोनों अपने बेबी तैमूर की काफी अच्छी तरह से परवरिश कर रहे हैं। दोनों की पहली मुलाकात के बाद ही दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। 2012 में दोनों ने शादी का फैसला किया। सैफ अली खान की पहली वाइफ अमृता सिंह भी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के ऑपोजिट फिल्में की हैं। करीना शादी के बाद भी फिल्में कर रही हैं और करीना उतनी ही पॉपुलर हैं मदर बनने के बाद भी। करीना अपनी फिटनेस को लेकर काफी लाइमलाइट में रहती हैं। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय। एक साल डेट करने के बाद 20 अप्रैल 2007 में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने शादी की थी। दोनों की शादी काफी ग्रैंड थी और आज भी दोनों की केमिस्ट्री काफी जबरदस्त है। दोनों एक दूसरे को काफी सपोर्ट करते नजर आते हैं और दोनों आज भी एक्टिंग के क्षेत्र में काफी एक्टिव हैं। काजोल अजय देवगन। 24 फरवरी 1999 को काजोल और अजय देवगन शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी से उनके परिवार वाले खुश नहीं थे, लेकिन दोनों ने अपनी शादी को अंजाम दिया और आज वो शादीशुदा जिंदगी को काफी एंजॉय कर रही हैं। काजोल शादी के बाद भी फिल्में कर रही हैं, तो वहीं अजय भी काफी एक्टिव हैं। वैसे दोनों की ऑन स्क्रीन को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था। अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना 2001 में शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखने लायक थी। दोनों के बीच रोमांस आज भी बरकरार है। दोनों की आपसी अच्छी समझ भी काफी बेहतरीन है। शादी के बाद अब ट्विंकल एक्टिंग नहीं करती। ऋषि कपूर, नीतू सिंह। साल 1980 में ऋषि और नीतू ने शादी कर ली थी। नीतू और ऋषि कपूर का अफेयर जब शुरू हुआ था तो उस वक्त ऋषि कपूर इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन चुके थे। वहीं नीतू अपने करियर की शुरुआती पड़ाव पर थी। आज वो हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की हैं। नरगिस सुनील दत्त। मार्च 1958 में नरगिस और सुनील दत्त की शादी हुई थी। उनकी लव स्टोरी बेहतरीन थी। उनकी लव स्टोरी ऐसी थी कि उस पर एक फिल्म भी बनाई जा सकती है। सुनील दत्त ने नरगिस को पहली बार एक फिल्म के प्रीमियर पर देखा था। पहली ही नजर में नरगिस को देखकर उन्हें प्यार हो गया था।
तो ये हैं बॉलीवुड के वो पावरफुल कपल जो हस्बैंड वाइफ दोनों फिल्म इंडस्ट्री में हैं और अच्छी खासी पोजीशन पर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।